Hello, my dear students. Good morning, everyone. So let's start your written work. Let's take out your English grammar book and open chapter number 7, Alice's Adventures. Alice ki khoje. Let's start. One day, Alice was lying under a tree on the river bank, listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस नदी के किनारे पेड़ के नीचे लेट रही थी और अपनी बहन से कहानी सुन रही थी. Suddenly a white rabbit with the pink eyes wearing a red coat ran close by her. अचानक एक सफेद खरगोश जिसकी आंखें पिंक थी और उसने रेड कलर का कोट पहना हुआ था उनके पास से गुजरा. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, oh dear, I will be too late. उसने अपने वेस्टकोट की पॉकेट से एक वॉच निकाली and as he hurried away और जैसे ही वो तेजी से भागा उसने कहा, oh dear, I will be too late. मैं बहुत मुझे बहुत देर हो जाएगी. Turn over the page. She had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. उसने कभी पहले ऐसा कोई खरगोश नहीं देखा था जो वेस्टकोट जिसके वेस्टकोट में कोई पॉकेट हो और जिसके पास कोई घड़ी हो. She thought, उसने सोचा, there was something very different about this rabbit. कि इस खरगोश के साथ कुछ ना कुछ तो अलग है. It could talk, ये बात कर सकता है. It wore a red waistcoat and it carried a watch. यह वेस्टकोट पहन सकता है और एक वॉच भी रख सकता है. Alice wondered. Alice आश्चर्यचकित थी. A talking rabbit, एक बात करने वाला खरगोश. A rabbit who wears a waistcoat, एक खरगोश जो वेस्टकोट पहनता है. Alice followed the white rabbit. Alice उस white rabbit को follow करने लगी. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. Rabbit ने running करना start कर दिया and Alice ने उसे follow करना शुरू कर दिया. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. खरगोश अचानक से अपने rabbit hole में बहुत तेजी आवाज के साथ नीचे कूद जाता है. Alice jumped into the rabbit hole too. एलिस भी यही करती है. एलिस भी उस हॉल में कूद जाती है. द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे एंड देन डिप्ड सडनली डाउन. रैबिट होल जो था वो बहुत सीधा था लेकिन बहुत दूर तक जा रहा था एक सुरंग की तरह. एंड देन डिप्ड सडनली डाउन, और क्या होता है वो अचानक से नीचे गिर जाती है. सो सडनली दैट एलिस हैड नॉट अ मोमेंट टू थिंक about stopping herself before she found herself falling down a very deep well. So suddenly that, तो अचानक क्या होता है, Alice had not a moment to think. Alice खुद को रोकने के लिए एक पल भी ना सोच सकी और वो एक गड्ढे में गहरे कुएं में गिर गई. Alice said aloud, Alice जोर से चिल्लाई, where am I, मैं कहाँ हूँ. How many miles down have I fallen? मैं कितने मील्स नीचे गिर चुकी हूँ. I must be getting somewhere near the center of the earth. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अर्थ के सेंटर में कहीं पहुँच गई हूँ. She wondered, वह आश्चर्यचकित थी. Will I through the earth to this other side? क्या मैं इस अर्थ के द्वारा किसी दूसरी जगह पर जा सकती हूँ. When suddenly thump thump, अचानक क्या होता है, थम थम की वॉइस होती है. शी केम अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स एंड द फॉल वॉज ओवर. वह एक सूखे लकड़ियों के ढेर के ऊपर आई जहाँ पे सूखी पत्तियां भी थी, और फिर क्या होता है वो उन सूखे ढेर पर चढ़ जाती है और द फॉल वॉज ओवर, और नीचे गिर जाती है. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन. उसने चारों तरफ देखा और अचानक से उसने व्हाइट खरगोश को दोबारा देखा.
इट डिसअपीयर्ड सेइंग, वह गायब हो गया और कह रहा था, ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। एलिस स्टूड अप एंड सॉ ए स्मॉल डॉर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो 15 इंचेस ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो छोटा सा जो दरवाजा था वो बहुत छोटा था जिसमें को एलिस निकल नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, उसने एक कांच की टेबल देखी जिस पर एक गोल्डन की रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, उसने वो लॉक गोल्डन की उस लॉक में ट्राई की जिससे वो उसमें फिट हो गई और वो लॉक खुल गया। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड ऑन टू द लवलीस्ट गार्डन, एलिस ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत प्यारा गार्डन था। शी हैड एवर सीन, जो उसने कभी नहीं देखा था। हाउ शी इज लॉन्ग्ड टू बी अलॉन्ग अमंग दीज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, वहां पर बहुत सारे कितने उनके फ्लावर्स के, ब्राइट फ्लावर्स के बेड्स थे और उनके कूल फाउंटेन्स थे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो अपना सिर उस डोरवे के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकी। ओ हाउ आई विश, और सोचने लगी, काश ऐसा होता कि आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं बहुत छोटी होती, सबसे छोटी होती। शी एक्सक्लेम लाउडली, तो वो इसके लिए क्या कर रही थी, एक्सक्लेम कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि वो उस छोटे से डोर से बाहर नहीं निकल पा रही थी जिससे ना तो फ्लावर्स के बेड को देख पा रही थी अच्छे से और ना ही फाउंटेन्स का मज़ा ले पा रही थी, इसलिए वो एक्सक्लेम थी। तो एलिस ने क्या खोज की थी, एलिस ने खोज की थी एक ब्यूटीफुल गार्डन की, किसके थ्रू, उस वाइट रैबिट के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, आएगी बात समझ में, अगर ये स्टोरी आपको फिर समझ में ना आई हो तो आप फिर से एक बार चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा। ओके, गुड लक।